हाजिरी में दोबारा फिर फसल कर रहा हूँ। आज के हमारे गौरमा ने भी वैसा हमारे लिए जिसके अंजाम देने के बाद धीरे धीरे दुश्मन में इस पर नाबूद हो जाएगा। लेकिन इससे पहले के अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ गुजारिश करता हूँ कि मतलब नाजिर हमारे जितने भी मुल्क हैं वो सिर्फ और सिर्फ जायज़ मसल के होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। याद रखें हमारा सेंटर वानी सेंटर टोना जादू सिकली ब्लैक मैजिक शैतानी और गंदी हरकतों के जरिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते। मोहतरम नाज़रीन आज का जो अमल है वो दुश्मन को नेस्त नाबूद करने का अमल है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका दुश्मन नेस्त नाबूद हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसके सारे इरादे, उसके सारे काले इलम जो है, उसका काला जो है वो सब बर्बाद हो जाए, टूट जाए, वो कुछ भी आपका ना बिगाड़ सके, तो आप क्या करें? किसी भी वक्त किसी भी दिन पाक साफ होकर के इस तावीज़ को अगर बना सकते हैं तो बना लीजिए, अगर नहीं बना सकते हैं तो इसका प्रिंट आउट लेकर के पहन लीजिए या अपने गले में या फिर अपने बाजू में बांध लीजिए। आप तावीज़ रखेंगे और दुश्मन का इरादा नेस्तनाबूद होगा, टूटेगा, उसका सारा मामला ख़राब होगा। प्लस ये कि इसका जो मौकिल है वो दुश्मन को परेशान करना शुरू कर देगा। जितना उसने आपको परेशान किया उससे ज़्यादा वो आपको और दुश्मन को बर्बाद कर देगा, तबाह बर्बाद कर देगा, नेस्तनाबूद कर देगा। ये बहुत मजरब अमल है, लेकिन जब इस अमल को अंजाम दें, जब बनाने पे बैठें, तो आप जो है पहले हैदर कुर्सी शरीफ से अपना हिसार कर लें, फिर ज़रा सा अत्र लगाएं, फिर उसके बाद इस तावीज़ को लिखें। नहीं तो जब प्रिंट आउट करवा कर लाएँ तो इसको काले कपड़े में लपेट के जब गले में बांधें तो हैदर कुर्सी और चारों कुल का विर्द कर लें और अपना हिसार कर लें। फिर उसके बाद इतना अल्लाह की राह में सदका दें कि एक टाइम फ़कीर का खाना मैसर हो जाए। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये अमल आप अंजाम देते चले जाएंगे, दुश्मन नेस्त नाबूद होगा, बर्बाद होगा। बहुत मजरब अमल है। अगर आपकी दुकान में दुश्मन ने कुछ करा रखा है तो दुकान में इस तावीज़ को लटकाएं, मकान में लटकाएं, तो इंशाल्लाह उसका सारा असरात ख़त्म हो जाएगा पूरा। जो भी दुश्मन ने काला इलम किया है या फिर काले करतूत के ज़रिए से, सिपली के ज़रिए से जो कुछ भी किया है वो सब का सब खत्म हो जाएगा। बहुत मजरब अमल, इसका इस्तेमाल करें। इजाज़त के लिए शर्त वाले कमेंट में जाके या अल्लाह या मोहम्मद लिखें, हमारी तरफ से आपको इजाज़त मिल जाएगी। फिर मिलते हैं दूसरे नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।